अजमेर की आनासागर झील में शनिवार से इलेक्ट्रिक डबल डेकर क्रूज की सुविधा हुई प्रारंभ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने किया विधिवत शुभारंभ। अजमेर की आनासागर झील में देशी विदेशी पर्यटकों के साथ शहरवासियों के लिए डबल डेकर क्रूज की सुविधा शनिवार से विधिवत प्रारंभ हो गई। देश और राजस्थान का यह पहला इलेक्ट्रिक क्रूज है जिसका उद्घाटन आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम ने इसका ठेका गीता मार्बल प्राइवेट लिमिटेड को 67 लाख रुपए सालाना में दिया है। सालाना 10% की बढ़ोतरी का प्रोसेस भी रखा गया है। इसके निर्माण में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रति व्यक्ति 300 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है। इस क्रूज को गोवा की बोट क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। इस क्रूज से आनासागर झील में 45 मिनट का एक राउंड लगवाया जाएगा। इसका संचालन सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक किया जाएगा, जिसमें 150 लोगों के साथ क्रू मेंबर, कुक और कैप्टन सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें 16 सीसीटीवी कैमरे और 200 से ज्यादा करीब लाइव जैकेट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रूज के पीछे रेस्क्यू बोट भी चलेगी। जेटी के पास ही इसका चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। डबल डेकर क्रूज को 2 फ्लोर में तैयार किया गया है। इस पूरे क्रूज को 8x22 मीटर में तैयार किया गया है। पहला फ्लोर पूरी तरह से एयर कंडीशन है। इसमें एक किचन के साथ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग बाथरूम की सुविधा दी गई है। इसी फ्लोर पर डांस फ्लोर भी तैयार किया गया है और डिस्को लाइटें भी लगाई गई हैं। दूसरा फ्लोर क्रूज का रूफटॉप वाला हिस्सा है। रूफटॉप पर छोटा किचन तैयार किया गया है। इन दोनों फ्लोर पर 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। क्रूज को बर्थडे पार्टी और सेलिब्रेशन के लिए भी बुक किया जा सकता है, जहां पर 150 लोगों के खाने पीने और बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। नवरात्रि के दूसरे दिन अजमेर को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। काफी समय से ये प्रत था कि अजमेर का पर्यटन बढ़े और उसे ऐसी कोई चीज लाई जाए जो कम से कम अभी तक तो भारत में भी कहीं नहीं है। यहाँ पर आपके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक क्रूसर जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक है, आज आनासागर में इसके प्रारंभ हुई है, जिससे पर्यटन भी बढ़ेंगे। ये 6 करोड़ की लागत से ये क्रूसर यहाँ पे आज का शुभारंभ हुआ है। और शुभारंभ के अवसर पर हमारे जल संसाधन मंत्री, यहाँ के अपने जन प्रतिनिधि और ऑफिसर सभी इसमें हैं। और इस ऐतिहासिक क्षण में सब लोग क्रूजर में बैठ करके इसका आनंद ले रहे हैं। अजमेर धीरे धीरे पर्यटन की ओर बढ़ रहा है और लगता है इससे पर्यटन को कई पंख लगेंगे और पर्यटन भी अधिक आएंगे। और जब पर्यटक अधिक आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। वो दृष्टि से एक क्रूसर जो कि इलेक्ट्रिक क्रूसर है, तो पहले तो की जगह डीजल या बाकी मात्रा में तो अधिक लोग दूसरे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक का देश में जिसके आधार पर किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को कोई लाभ ही होगा और इसको सभी लोगों ने सराहा है। केवल कुछ लोग तरह तरह के जो सम्माननीय हैं, माननीय हैं, उनको कुछ आपत्तियाँ थी कि रामप्रसाद घाट से शुरू होगा या वहाँ के लोगों में अवरोध आएगा। मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि जेटी से शुरू होगा और अभी जेटी में ही समाप्त होगा। इन्हें कहीं भी रामप्रसाद घाट से इसका कोई लेना देना नहीं था। प्रारंभ में ज़रूर वहाँ पर कुछ लगे थे, लेकिन आज वो भी हटा दिए गए। तो इसीलिए मैं माननीय सम्माननीय को कहूँगा कि आप थोड़ा सा जो विकास हो रहा है उसको स्वीकार करें और अच्छे अच्छे काम होने का धैर्य रखें। अजमेर का विकास निरंतर होता है और केवल एक तो नया आयाम आज स्थापित हुआ है, लेकिन आगे भी अजमेर में इस तरह के कई आयाम स्थापित होने जा रहे हैं। आज तक कई पर्यटक बने, लेपर्ड सफारी राजस्थान में घोषणा हुई है, यहाँ पे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से पर्यटन के देखने के आएंगे और उसमें चामुंडा माता तक रोप वे भी बन रहा है। तो मैं समझता हूँ पर्यटन की दृष्टि से ये आगे बढ़े हैं, रोजगार दृष्टि से अजमेर बढ़ रहा है, आईटी पार्क यहाँ पे घोषणा हुई है, चिकित्सा सुविधाओं की हुई है। और मैं तो सोचता हूँ कि हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा का हब जो था
उसके लिए भी नई यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है, IIT जो RIT के रूप में उसकी घोषणा हुई है। धैर्य रखें, अगले कुछ वर्षों में ही अजमेर राजस्थान के नक्शे पर उभर करके आएगा और हम सब अजमेर वासी गर्व की अनुभूति करेंगे।